नीमच जिला अपर कलेक्टर एस आर नायर ने बताया कि जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के आदेश अनुसार धारा 144 के तहत पूरे जिले में 9 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें कोरोना की होम डिलीवरी, थोक सब्जी मंडी, सब्जी के हाथ ठेला, गाड़ी, ऑटो रिक्शा, सामान्य आवागमन सभी को 9 मई तक सभी पर प्रतिबंध रहेगा और परिवहन में प्रदेश स्तर पर ही बस चलेंगी। अन्य राज्यों से नीमच जिले में किसी भी परिवहन का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सिर्फ इमरजेंसी सुविधा जैसे ही कि सुबह 7 से 11 बजे तक दूध और पीने की सप्लाई होम डिलीवरी की जाएगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, एटीएम चालू रहेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि वर्तमान समय में मेडिकल स्टोर पर दवाइयां कम, किराने का सामान ज्यादा बिक रहा है। ऐसी सूचना मिली तो संबंधित मेडिकल को सील कर दिया जाएगा। नीमच जिले में कलेक्टर महोदय के द्वारा धारा 144 के तहत कुछ संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। उसमें मूल बात यह है कि कल से लेकर के 9 तारीख तक जो है संपूर्ण व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। उसमें होम डिलीवरी का सिस्टम भी जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। सब्जी और फल के ठेले जो घूम कर बेचते थे वो भी 9 तारीख तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। 9 तारीख तक केवल जो है दूध और जो पानी की जो सप्लाई रहती है इनको 7 बजे से 11 बजे तक होम डिलीवरी की छूट दी गई है। इसके अलावा और किसी भी इस टाइप के व्यावसायिक चीज़ों को छूट नहीं दी गई, किंतु पेट्रोल पंप, एटीएम और मेडिकल की दुकानों में छूट रहेगी। लेकिन मेडिकल की दुकान वालों को भी सचेत किया जाता है कि वो मेडिकल के अलावा किसी अन्य सामान का व्यवसाय नहीं करेंगे। देखने में ये पाया जा रहा है कि कई लोग मेडिकल की दुकानों पे किरानों का और अन्य सामान का विक्रय कर रहे हैं, जो कि आपत्तिजनक है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनकी मेडिकल की दुकान भी सील कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है 16 तारीख तक जो है सभी प्रकार के सामाजिक, शादी, वैवाहिक कार्यक्रम, इन सब पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो पूर्व में जो शादियों की अनुमति अगर अनुभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई थी तो वो भी सब निरस्त कर दी गई है। और सभी को ये आग्रह किया जा रहा है कि जिनके यहाँ शादी थी वो अपना कार्यक्रम शादी का जो है बढ़ा ले, और आगे अभी 16 तारीख तक किसी प्रकार की शादी की अनुमति भी नहीं रहेगी। सर, परिवहन को लेकर किस तरह छूटेगी? परिवहन की तो अब जब तक शासन से उसका निर्देश नहीं आएगा परिवहन की, तो जो बसें जो राज्य के अंदर जो चल रही है उसकी तो अनुमति अभी है, लेकिन राजस्थान से आने वाली बसों पर सब पे रोक लगी हुई है। सर, देखेगा शहर में रिक्शा चलते हैं जो ऑटो रिक्शा को लेकर? रिक्शा वालों को भी हमने 7 से 11 पहले अलाउ किया था, वो 7 से 11 अब जो है ये 9 तारीख तक उन पे भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रिक्शा सिर्फ बसें ही चल पाएंगी, बाकी सब चीज़ प्रतिबंध रहेगा? हाँ, बसें भी केवल राज्य की बसें रहेंगी, बाकी सब प्रतिबंध रहेगा। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।